हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बी एस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज करेंगे हम द क्वीन ऑफ द विलेज का जो सारांश है, समारी, उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। यूट्यूब में अभी तक कोई नहीं छोड़ा है इसको, तो मैं हिंदी में इसका समारी आपको बताने के लिए आया हूँ। आज का कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसका स्टोरी क्या है। बहुत स्टूडेंट्स को पता नहीं है, बहुत सिर्फ क्वेश्चन आंसर से पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आपके सामने लाया हो इसका समारी, फुल टू समारी। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें बी एस ट्यूशन क्लासेस को। अगर इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आप जाइए, इसको सब्सक्राइब करें टेलीग्राम में, ठीक है, बी एस ट्यूशन क्लासेस करके ही है। चलो शुरू करते हैं। तो सारांश क्या है? मूल रूप से कॉर्बेट के माई इंडिया संग्रह में प्रकाशित द क्वीन ऑफ द विलेज, ये जो द क्वीन ऑफ द विलेज है कहाँ पर पब्लिश हुआ था? माई इंडिया नामक पब्लिकेशन में तो पब्लिश हुआ था ये वाला, ठीक है। ने क्रूर शिकारी के एक चित्र को एक दयालु और कोमल आत्मा के रूप में चित्रित किया। मतलब कि जो यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट है वो कैसा था? एक शिकारी था ना, उस शिकारी व्यक्ति का वो कैसा दयालु थे, जैसे कोमल हृदय वाले इंसान थे, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया है। कहानी एक गुमनाम कथावाचक द्वारा प्रथम व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताई गई है, मतलब फर्स्ट पर्सन नैरेटिव। यहाँ पर किसी का नाम नहीं दिया गया कि आई कर, और यहाँ पर आई कौन है? आई जिम कॉर्बेट है, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, जिसे हम सुरक्षित रूप से मान सकते हैं कि वो जिम कॉर्बेट है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि वो कौन है, जिम कॉर्बेट। इसको छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ ओके, देखिए जिम कॉर्बेट। इस कहानी में कॉर्बेट पाठक को चीना, एक विलेज का नाम है, क्या नाम है? चीना के हिल स्टेशन का एक विहंगम दृश्य देने की इच्छा रखते हैं। तो इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे कि चीना नामक एक हिल स्टेशन है, एक गाँव है, और उस गाँव का दृश्य को दिखाएगा कि उस गाँव में क्या क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। जहाँ खेती को, देखिए यहाँ पर, जहाँ खेती को अधिक प्रबंधनीय बनाने के लिए इलाके को सावधानी से सीढ़ीदार बनाया गया है। मतलब पहाड़ी इलाका है ये, ज़्यादातर नैनीताल जो है ना, नैनीताल के आसपास जो गाँव है उसके बारे में बताया गया है। और जहाँ पर क्या होता है, हिल ज़्यादा होता है ना, तो हिल में लोग कैसे खेती करते हैं, सीढ़ीदार बनाया जाता है ना, ऐसे ऐसे हिल होता है ऐसा है, और उसको कैसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे करके काट के खेती किया जाता है ना, ऐसे ऐसे सीरीज ऐसे काटा जाता है। समझ में आ गया आपको? ओके। उसके बाद जितना अधिक इसने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाया, यहाँ वहाँ रहने वाले मजबूत लोगों के लिए एक कठिन जोखिम भरा काम था। देखिए थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ होगा, लेकिन आपको समझा के जाऊँगा, ठीक है। स्टोरी एकदम आसानी से समझेंगे आप। देखिए यहाँ पर इतना सुंदरता से प्राकृतिक दृश्य को दिखाया गया है, लेकिन वहाँ के जो लोग थे बहुत ही क्या थे, मजबूत थे, जोखिम भरा काम को कर पाते थे। जो पहाड़ में खेती करना एक आसान सा काम नहीं था, जोखिम भरा काम था, बहुत मेहनती लोग थे वो। आमतौर पर वो इसके लिए मवेशियों, बकरियों और छोटे शॉफ्ट का इस्तेमाल करते थे। मतलब खेती करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे, बकरियाँ, छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं, गाय, इन सभी को इस्तेमाल करते थे खेती करने में, ठीक है, सभी करते हैं। इस कस्बे के निवासी ने स्टील की सतों से ढके पत्थर के घरों की एक समान पंक्तियों में प्राकृतिक आपदाओं से शरण ली, जहाँ वे एक साधारण जीवन जीते थे। यहाँ पर यह समझाऊंगा कि वहाँ के जो लोग थे कैसे कैसे घर बना के रहते थे, पत्थरों से घर बना के रहते थे। स्लेट जो होता है, स्लेट से क्या देते थे, सद देते थे, सद, उनका जो सद होते थे वो स्लेट का होते थे, और जो घर होता था वो पत्थरों का होता था, ताकि जो कि पहाड़ी इलाका में उनका घर होता था, कोई भी पेड़ उनके घर के ऊपर अगर गिर जाए कम से कम बच जाए वो लोग। तो ऐसे करके वो लोग अपना घर बनाते थे और एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे, वो लोग एक साधारण जीवन जीते थे। उसके बाद क्षेत्र और उसके लोगों की एक ज्वलंत तस्वीर को चित्रित करने के बाद, यहाँ पर देखिए इतना सुंदर सा चित्रित किया गया है ये उस गांव का, चीना गांव का। उसके बाद क्या बताता है कि हम सीखते हैं कि कॉर्बेट क्षेत्र से परिचित थे, क्योंकि कॉर्बेट उस गांव को अच्छे तरीके से पहचानते थे, है ना।
कॉर्बेट कहाँ से थे? कॉर्बेट नैनीताल से थे, ठीक है। कॉर्बेट आया था चीना गांव में, उनको बुलाया गया था, है ना, क्योंकि स्थानीय लोगों ने नैनीताल को एक आदमखोर बाघ के खिलाफ मदद की गुहार लगाते हुए एक तत्काल टेलीग्राम भेजा था। देखिए यहाँ तक याद रखिएगा कि लोगों ने, वो चीना गांव जो था, उन लोगों ने एक नैनीताल में एक लेटर भेजा कि एक आदमखोर बाघ, एक टाइगर उन लोगों को अटैक करके खा रहा है, तो आप लोग कोई आए आके हमें मदद करें। तो वहाँ पर कौन आया था? जिम कॉर्बेट आया था, और जिम कॉर्बेट उस इलाके को अच्छे तरह से पहचानते थे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बाघ ने एक माँ और बेटी पर उस समय हमला किया था जब वे दिन के समय गेहूं की कटाई कर रही थी। तो क्या कर दिया था, ये जो बाघ है एक माँ और बेटी को खा गया था, मार डाला था। वो माँ बेटी क्या कर रहे थे, वो गेहूं की कटाई कर रहे थे खेती पे, और वहाँ पर टाइगर आके, बाघ आके माँ बेटी को खा गया। कैसे करके खाया, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर, लड़की का सिर उसकी माँ के पैरों के पास पाया गया और उसके शरीर के बाकी हिस्सों को बाघ पास के जंगल में ले गया। मतलब जो लड़की का शरीर, वो टाइगर तो खाकर उस खींच खींच कर जंगल के भीतर लेके चला गया, लेकिन लड़की का, जो लड़की 12 साल का उम्र था, उस लड़की का सर उसके माँ के पैरों के बीच, पैरों के सामने गिरा पड़ा था। मतलब माँ और बेटी दोनों को मार डाला था, कौन? वो टाइगर। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको पूरा स्टोरी। ये तो हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अभी यहाँ पर समझते हैं, पूरा समझा के जाऊँगा, बस आपको करना क्या है, BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ही जाना है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया होगा, लेकिन क्या करो, थोड़ा सा माइक का शायद प्रॉब्लम है। चलो, इसके तुरंत बाद बाघ ने एक और महिला को मार डाला। उसके बाद बाघ ने क्या कहा, क्या किया, और एक महिला को मार डाला, एक के बाद एक महिला को मारते जा रहा था। नैनीताल के पुरुष निवासी इस बार एक साथ आए और बाघ को भगाने में सफल रहे। इस बार क्या किया, उस पुरुषों ने एक साथ मिलकर क्या किया, उस बाघ को भगाने के लिए काम किया, ठीक है, बाघ के पीछे भागा, भगाने के लिए, मारने के लिए। उसके बाद स्थानीय लोगों ने शव को एक भारी कंबल में लपेटा, शव को मतलब उस बॉडी को, डेड बॉडी को, जो माँ के डेड बॉडी है उसको, स्थानीय लोगों ने शव को एक भारी कंबल में लपेटा और 30 फुट ऊँचे रोडोडेंड्रॉन पेड़, एक पेड़ का नाम है रोडोडेंड्रॉन, पेड़ की सबसे ऊँची शाखा में लटका दिया। उस डेड बॉडी को इस पेड़ के 30 फुट ऊपर बांध दिया ताकि टाइगर आए और उस डेड बॉडी का जो गंध होगा उसको सूंघते टाइगर आएगा और टाइगर को अटैक करेगा, कौन? वो इंसान, सारे लोग, गांव के लोग। इसलिए उस डेड बॉडी को 30 फुट ऊपर बांध दिया, कंबल में लपेट कर ऊपर बांध दिया कि उसका गंध सूंघते वो आएगा उसके सामने। यह बाघ के आसपास के किसी भी संभावित खाद्य स्रोत को हटाने के लिए किया गया था, है ना, ताकि वो दूसरे के पास ना जाए, ये उस डेड बॉडी के पास ही जाए टाइगर, ताकि कोई दूसरा लोग ना मरे। और कॉर्बेट की बहन मैगी के लिए भी चिंता व्यक्त की गई। यहाँ पर कॉर्बेट की एक बहन थी, बहन का नाम क्या है, बहन का नाम है मैगी। यहाँ पर देखिए बहन का नाम क्या है, मैगी। तो कॉर्बेट ने अपने बहन के बारे में भी चिंतित था, ठीक है, क्योंकि व्यापक आतंक क्रोध और भय फैल गया था। वहाँ पर भय फैल गया था कि लड़की को ही खाया जा रहा था टाइगर के द्वारा, और मैगी जो कि एक लड़की थी, तो कॉर्बेट को थोड़ा सा चिंता हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैगी ने, देखो मैगी ने मचान बनाने और बाघ पर नज़र रखने के लिए पुरुष सहायकों के एक दल को इकट्ठा किया। देखिए यहाँ पर मचान क्या है, मचान है जैसे एक पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर जो घर बनाया जाता है उसे मचान बना बोला जाता है। तो क्या किया मैगी ने, उस गांव के जो पुरुष है, पुरुषों से मदद लिया और एक मचान बनाया पेड़ के ऊपर, ताकि वो लोग उस मचान पे बैठे रहे और टाइगर को मार सके, ठीक है। एक दल इकट्ठा किया, ओके। दुर्भाग्य से यह पता चलने में देर नहीं लगी कि बाघ वापस आ गया है। उसके बाद क्या सुनाई पड़ा लोगों को, कि जो बाघ भाग गया था वो बाघ फिर से दोबारा गांव में आ चुका है, पेड़ पर चढ़ गया और लाश को चुरा लिया। कौन? वो जो बाघ है क्या किया, लाश को चुरा के लेकर चला गया, ऐसा सुनने में आया है। एक बार फिर आधे खाए हुए शरीर के सामने आने से पहले पुरुषों ने आधा मील तक बाघ का पीछा करके उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई। यहाँ पर क्या किया, वो पूरा डेड बॉडी को खाने से पहले वो लोग आए, वो सारे लोग आए,
सारे लोग आकर कम से कम आधा माइल तक टाइगर के पीछे भागा, ठीक है, हर एक लोग टाइगर के पीछे भागा टाइगर को मारने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, बहुत विचार विमर्श के बाद वह शरीर के ऊपर एक ओक के पेड़ में मचान का निर्माण करने में सहमत हुए। उसके बाद क्या किया, एक ओक ट्री, ओक या फिर ओक का जो ट्री होता है ना, ओक ट्री के ऊपर क्या बनाया उन लोगों ने, मचान बनाया। मतलब जो डेड बॉडी है वो नीचे रहेगा 30 फुट और उसके ऊपर पेड़ के ऊपर क्या बनाएगा, मचान बनाएगा। अगर मचान नीचे हो गया और डेड बॉडी ऊपर रहा 30 फुट तो टाइगर आके पहले तो इन लोगों को खाएगा, है ना। तो कहाँ बनाया, ऊपर बनाया ताकि टाइगर के नज़र में ना आए। तो जब टाइगर ये 30 फुट ऊपर से ये वाला डेड बॉडी खाने के लिए जब आएगा तो ये इंसान जो ऊपर है वो यहाँ पर अटैक करेगा, तो ऐसे करके प्लानिंग था उन लोगों का। तो ठीक है, ओक के ऊपर, ओक पेड़ में उन लोगों ने एक मचान बना दिया, ठीक है, निर्माण करने पर सहमत हुए। कॉर्बेट को जानने वाले नैनीताल के एक भारतीय खिलाड़ी ने यह कहकर समूह की तैयारियों में बाधा डाली कि वो स्वयं बाघ के लिए बैठने जा रहा है। तो नैनीताल से कौन आया, एक ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्समैन, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी आए, कुछ खिलाड़ी कुछ स्पोर्ट्समैन आए जो जंगलों में क्या करता है, हाइकिंग करता है, वो लोग आए, स्पोर्ट्समैन आए। वो क्या कह रहा था कि अभी बाघ का ख्याल कौन रखेगा, ये लोग रखेगा जो हाल ही में नैनीताल से आए हैं, और वो लोग क्या करेगा, वो बाघ को मारेगा, ऐसे करके इन लोगों के काम पर बाधा डाले। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, उसके बाद इस खिलाड़ी ने लालटेन को तब तक उछाला जब तक वो ज़मीन पर गिर नहीं गया। मतलब डायरेक्टली यहाँ पर लिखा गया है लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे तरह से समझाते हैं। उसके बाद रात हो गया था, ये जो खिलाड़ी था जो स्पोर्ट्समैन आए थे नैनीताल से, रात को उनके हाथों में क्या था, लालटेन था, और जो कि ये मई महीना था और मई महीना में गर्मी होता है, जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं। तो लालटेन, समझ में आएगा लालटेन क्या है, जो लैम होता है लैम, वो लालटेन आग पकड़ ली क्योंकि मई का मौसम सूखा था। वो लालटेन ज़मीन पर गिर गया और पूरा का पूरा जंगल में आग लग गया, इसके कारण वो स्पोर्ट्समैन के कारण, ठीक है, ये ग्रुप आया था स्पोर्ट्समैन का। आग लगने के कारण खिलाड़ी घबराहट में अपना कोट छोड़कर, अपना ग्रुप को छोड़कर, अपना कपड़ा वगैरह टेंट वगैरह छोड़कर घटनास्थल से भाग गया। वो जो इंसान था स्पोर्ट्समैन जो ग्रुप आया था वो लोग भाग गया आग को देखकर, उनके वजह से आग लगा, वो लोग डर के मारे भाग गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, उसके बाद हुआ 8 घंटे के बाद भी भारी बारिश से ही आग पर काबू पाया जा सका। मतलब 8 घंटा तक उधर तो आग तो रहा, उसके बाद बारिश हुआ, बारिश होने के बाद ही जो आग है वो आग रुक गया, ठीक है। या तक समझ में आ गया आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम में जाए, टेलीग्राम में जाने के बाद वहाँ पर फॉलो करें और PDF को ले, लिख लिया, जेरक्स कर ले। तो ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बाकी है। उसके बाद कथावाचक मतलब जिम कॉर्बेट, लड़की नहीं है ये, लड़का है, ठीक है। तो कथावाचक नैरेटर अंत में गांव पहुंचा और उसे रोडोडेंड्रोन के पेड़ के स्थान पर लाया गया। और जो कथावाचक था वो कहां पर आया, उस पेड़ के पास आया जहां पर डेड बॉडी को रखा गया था, स्थान पर आया जहां उसने कंबल, छाल और ज़मीन पर निशान देखे जो संकेत देते हैं कि बाघ ने अंततः सफल होने से पहले अपने शिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए। तो यहाँ पर ये रहा कि जो बाघ है वो यहाँ पर आया था, ठीक है, बाघ आया था और डेड बॉडी को खाने का कोशिश किया, जो कंबल है थोड़ा सा फट गया था, डेड बॉडी को खाने का बहुत कोशिश किया था। तो ये थोड़ा सा ट्रेसेस वहाँ पर मिला, किसको मिला, जिम कॉर्बेट को मिला, कि जो बाघ है वो अभी भी जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ठीक है। वर्णन करता मतलब नैरेटर ने और सबूत खोजे लेकिन कुछ नहीं मिला। नैरेटर को और भी कोई सारे सबूत चाहिए था कि टाइगर मर गया है कि जीवित है, लेकिन उनको कोई भी सबूत नहीं मिला क्योंकि आग ने सब कुछ राख कर दिया था। आग लगने के कारण पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो सबूत है, वो ख़राब हो चुका था। उसके बाद आखिरकार वो बाघ को खोजने में और उसे मारने में सफल रहा। तो उसके बाद जिम कॉर्बेट क्या किया, बाघ को खोजा जैसे तैसे और बाघ को मार डाला, ठीक। लेकिन इसके बाद हुई अराजकता के में 5 लोगों की जान चली गई। लेकिन देखिए, ये जो बाघ जो ढूंढा गया था इसमें कितने लोगों की जान चली गई, 5 लोगों की जान चली गई, ठीक है। फिर भी जैसे तैसे टाइगर को मार डाला था, क्या हो गया, एक था टाइगर हो गया, टाइगर जिंदा था, अभी एक था टाइगर हो गया, ओके चलो
टाइगर मर गया। आदमखोर बाघ को मारने के बाद कथावाचक मतलब नैरेटर ग्राम प्रधान के घर गया। किसके घर गया? जो पंच होते हैं, गांव पंच, सरपंच, तो उसके घर में गया जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। जो सरपंच हाल ही में उसका मौत हो गया था, बस उसके घर में खाने के लिए गया था, उसको इनवाइट किया गया था। इतना अच्छा आपने काम किया है तो आपको तो एक इनवाइटेशन तो बनता है, आपको मेरे घर में खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। तो जो कि ग्राम प्रधान तो था नहीं, मर गया था, लेकिन उसके घर में कौन था? पत्नी और बेटियाँ। ठीक है, उनकी पत्नी और बेटियाँ जो ब्राह्मण समुदाय से थे, कौन थी ये? ब्राह्मण समुदाय से। उन्हें हार्दिक शैनियों भोजन प्रदान करने के लिए अपने घरेलू कर्तव्य से ऊपर और आगे बढ़ी। तो उनको खाने के लिए बुलाया गया, ठीक है, उनको खिलाया गया। घर आने के बाद महिलाओं ने अपने चेहरे नहीं ढके थे। जो महिलाएं थे उसको क्या करना चाहिए था? अपने चेहरे को ढक देना चाहिए था घूमटे से, लेकिन उन लोगों ने घूमटे से अपने चेहरे को नहीं ढका था। मतलब एक मॉडर्न जैसा था, वो लोग तो थे ब्राह्मण लेकिन उन्होंने अपने पर्दे को, चेहरे को नहीं ढका था। वक्ता ने भारत की जटिल और आकर्षक जाति व्यवस्था पर जोर दिया, और वक्ता ने, नैरेटर ने, भारत को जो जाति है, ठीक है, जो हमारा जो ब्राह्मण समुदाय है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेक्ट किया, उनके बारे में बताया कैसे है। जो ब्राह्मण जो बोलते हैं वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, जिसमें ब्राह्मणों को भारत की धरती के नमक के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मण कौन है? भारत की धरती के नमक। नमक बहुत बड़ा चीज़ है ना, तो ब्राह्मण को इतना उच्च पद दिया गया के रूप में जाना जाता था। और जिम कॉर्बेट जैसे पश्चिमी उपनिवेशवादियों को, मतलब कॉलोनाइज़र है ना, उपनिवेशवादियों को श्वेत साधु मतलब वाइट साधु कहा जाता है। जिम कॉर्बेट को क्या कहा जाता है? श्वेत साधु मतलब वाइट साधु। क्वेश्चन आएगा आपका कि वाइट साधु किसको कहा गया है? वाइट साधु जिम कॉर्बेट को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट है हमारा, चलो पढ़ते इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले बस आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। इस प्रणाली पर अधिक गहराई से चर्चा करते समय वक्ता ने पहाड़ी लोगों के जीवन शैली के विकास के बारे में संकेत दिया। और इसके बाद इस ये बोलने के बाद जो वक्ता है, जो नैरेटर है, उन्होंने गांव के लोगों के बारे में बताया कि वो जो गांव के लोग हैं वो कैसे वेशभूषा पहनते हैं, कैसे ड्रेस कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, उसका रहन सहन कैसा है, इसके बारे में बताना चाहता है, कैसे विकास है, डेवलपमेंट कैसा है। ठीक है ना, वक्ता ने पहाड़ी लोगों की जीवन शैली के विकास के बारे में संकेत दिया। माल की उच्च लागत और दहेज प्रथा की दृढ़ता, यहाँ पर दहेज प्रथा भी है, इसके बारे में बताया। वक्ता ने अचानक अपना ध्यान नैनीताल बाज़ार कहाँ पर दे दिया, अपने ध्यान कहाँ पर दिया? नैनीताल बाज़ार में सामान्य माहौल पर चर्चा करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। तो अपना ध्यान कहाँ पर शिफ्ट किया? नैनीताल बाज़ार में, कि नैनीताल बाज़ार में क्या क्या होते हैं, है ना, जिसमें एक बनिया मतलब एक दुकानदार की दुकान का वर्णन किया गया है। एक दुकान के बारे में बताया गया, नैनीताल बाज़ार में एक दुकान था जिसमें दिन भर परोसी जाने वाली ताज़ी पीसे और दूध की चाय सहित कई तरह के सामान बेचे जाते थे। तो उस दुकान पे दूध की चाय बेचा जाता था, है ना, इसके बारे में बताया। आटा बेचा जाता था, चावल, दाल, घी, नमक, बासी मिठाई, आलू, शलगम, सिगरेट, मेल खाता है, मिट्टी का तेल, है ना, बहुत सारे चीज़ उस दुकान पर बेचा जाता था। कहाँ पर? वो नैनीताल बाज़ार के एक बनिया के दुकान पर। ठीक है, तो उसके बारे में बताया। हमें ना केवल स्टोर के बारे में बताया जाता है बल्कि उन लोगों के बारे में बताया जाता है अक्सर आते हैं, मतलब यहाँ पर जिम कॉर्बेट ने ना कि सिर्फ उस दुकान में क्या क्या बेचा जाता है उन लोगों के बारे में ही नहीं, जो जो लोग खरीदने के लिए आता है उन लोगों के बारे में भी बताता है। ठीक है, जो अक्सर आते हैं, उसके बाद जिनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से थे, मतलब ये बताता है कि जो जो लोग दुकान में आते थे खरीदारी करने के लिए वो भी बहुत गरीब थे, वो जो गांव था वो बहुत ही गरीब था। ये है लास्ट हमारा, ये लास्ट पार्ट है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा एक वीडियो है उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आप उसे टाइप करना, द क्वीन ऑफ द विलेज। ठीक है, हमें जो बताया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुमाऊँ गांव, एक गांव का नाम है क्या, कुमाऊँ गांव, कुमाऊँ गांव के बारे में बताया गया है कि कुमाऊँ गांव क्षेत्र में रहने वाले लोग विनम्र होने के साथ साथ, वो जो लोग हैं वो बहुत ही विनम्र थे, एकदम हम्बल,
एकदम हॉस्पिटेबिलिटी, उनका जो अतिथि अपवायन है वो बहुत ही शानदार है। साथ साथ अत्यधिक स्वाभिमानी लोग थे, वो एम्बिशियस लोग थे, जो ना केवल मेहनती और बहादुर थे बल्कि आतिथ्य की परिभाषा भी है, आतिथ्य मतलब हॉस्पिटेबिलिटी। वो लोग लोगों का ध्यान रखते हैं, बहुत मेहनती होते हैं कुमाऊँ गाँव के लोग। उनके समय के दौरान पहाड़ी लोगों ने उन्हें जो सम्मान दिया, पहाड़ी लोगों ने जिम कॉर्बेट को इतना सम्मान दिया, उसके कारण वक्ता को जीने के उद्देश्य और उत्साह की एक नई भावना महसूस हुआ। वक्ता को, नैरेटर को कैसा लगा? जीने का एक दूसरा नाम मिल गया उसको, उसका जीने का एक सहारा मिल गया, जीने का एक रास्ता मिल गया। तो ये रहा इसका समारी। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।